हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके मैं आपके समक्ष आ गई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए आज का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। जैसा कि अब आपके पास धीरे धीरे टाइम बहुत कम बचता जा रहा है, और दोस्तों एमपी टेट का भी आप एमपी जो सुपर टेट मेन एग्जाम्स का जो है प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो मेरे साथ डेली बेसिस बने रहिए। एंड दोस्तों, जैसा कि सीट को इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, देखिए क्या होता है, सीट बढ़ता है या नहीं फिजिकल एजुकेशन में, तो उसको उसकी चिंता में आप मत रहिए। आपका एग्जाम अगर 16 को है तो 16 तारीख को आपको एग्जाम देना है। कितना भी सीट बढ़ी या घटी उससे आपको मतलब नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि ये बीपीएससी TRE3 के प्रैक्टिस सेट का 7वां वीडियो है, एंड जो बीपीएससी TRE2 में मैंने प्रैक्टिस कराया है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। 11th 12th का जो मैराथन क्लास है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट होता है। दोस्तों, जैसा कि इजी से इजी क्वेश्चंस एग्जाम्स में गलती होती हैं, उसका एक ही कारण है, प्रैक्टिस की कमी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तंतुमय संधि है? तो जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, अचल, अर्धचल और चल संधि। अचल संधि को, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कौन तंतुमय संधि है, यानी फाइबर्स ज्वाइंट की बात कर रहा है दोस्तों, तो खोपड़ी की संधियां हैं। कैसे? खोपड़ी की संधियां जिसे सूचक ज्वाइंट कहते हैं, यह अचल संधि के अंतर्गत आता है। संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें से अचल संधि, अर्धचल संधि और चल संधि। अचल संधि को कील संधि या तंतुमय संधि या फाइबर ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट या साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। एंड अचल संधि में हमारे खोपड़ी का जोड़ जिसे सूचर ज्वाइंट कहते हैं, और हमारे दांतों का जोड़ जिसे गोम्फोसिस या स्पेगल सैकेट ज्वाइंट कहते हैं, एंड हमारी सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग कोल्हे में स्थित होता है उसका जोड़, जिसे साइको इलियस जोड़ कहते हैं। एक एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट जो होता है वह, इसको सिंडोमेसिस कहा जाता है। ये सभी अचल संधि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है अर्धचल संधि, जिसे सिकली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थोसिस ज्वाइंट, एंड इसके अंतर्गत अर्धचल संधि के अंतर्गत हमारी रीढ़ की हड्डी का जोड़ जिसे इंटरवर्टिबल ज्वाइंट, एंड हमारे जो रिब्स पसलियां होती है उसका जोड़ जिसे सिंक्रोडोसिस कहते हैं, और हमारे जो कूल्हे की टेल बोन के पास का जोड़ होता है, कूल्हे का सबसे निचला हिस्सा प्यूबिक सिम्फिसिस, ये अर्धचल संधि में आता है। एंड तीसरा होता है चल संधि, जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है, जिसमें 6 प्रकार की गतियां होती है, जिसमें किसी भी तल दिशा में गति होती है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलता है, जैसे कार्पस और टार्सस। दूसरा, बाउल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें एक हड्डी का एक गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार में फंसा रहता है, जिसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा है चल संधि के अंतर्गत हिंज ज्वाइंट, जिसे कब्जा संधि या कोर संधि कहते हैं, जिसमें एक तल में गति होता है, एक ही दिशा में होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है। और हिंज संधि ज्वाइंट यानी कोर संधि के कब्जा संधि का एग्जाम्पल है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़। चौथा होता है कॉर्डिलेयर ज्वाइंट चल संधि के अंतर्गत। कॉर्डिलेयर ज्वाइंट को स्थूलक संधि भी कहते हैं, जिसमें 2 तल में गति होती है, घूर्णन नहीं होता है। रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़ इसमें आता है। पांचवा होता है पीवर ज्वाइंट चल संधि के अंतर्गत, जिसे धुराग्र संधि भी कहते हैं। पीवर ज्वाइंट में सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। इसमें हमारा सिर की गर्दन की ज्वाइंट आता है, एंड हमारा जो रेडियस अल्ना हड्डी, रेडियस हड्डी अल्ना के ऊपर रोटेट करती है, जिसे प्रोनेशन सुपेनेशन मूवमेंट्स होता है। छठा होता है चल संधि में सैडल ज्वाइंट, जिसे पृष्ठ संधि भी कहते हैं। इसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि कहा जाता है, यह किसी भी दिशा और तल में गति करती है, जैसे कि हमारा ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि, जिसमें अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है अग्रवर्ती और पश्चवर्ती पद किसके समानार्थक है। अग्रवर्ती मतलब आगे और पश्चवर्ती मतलब पीछे, तो अग्रभाग और पश्चभाग। दोस्तों जैसे कि जो एनाटॉमिकल भाषा में आप देखेंगे तो उसके कुछ एनाटॉमिकल शब्द हैं, जैसे कि एंटीरियर मतलब अगला, पोस्टीरियर मतलब पिछला, मीडियल मतलब भीतर, लेटरल मतलब बाहर, सुपाइन मतलब फेस अप यानी कि फेस ऊपर की ओर, ये पीठ की तरफ सोना, एंड प्रोनेशन मतलब फेस डाउन यानी कि फेस नीचे की तरफ और पेट के बल लेटना, और यूनिलेटरल मतलब एक ओर, बाइलेटरल मतलब दोनों ओर, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो ये तो हर बार रिपीट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जबकि जोड़ों का अध्ययन संधि विज्ञान को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है अस्थियों के निर्माण में अंतर्गत अस्थि कोशिकाएं क्या है। तो दोस्तों कई बार मैं बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है कि अस्थियों के निर्माण के अंतर्गत कौन कोशिकाएं काम करती हैं। तो अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। जबकि अस्थि के विघटन के कार्य को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोक्लास्ट। याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं क्या करती हैं? अस्थियों का निर्माण करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं अस्थियों के विघटन का कार्य करती हैं। याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट है वक्ष का अस्थि पंजर किससे निर्मित होता है। जो वक्ष का अस्थि मोटा हड्डी होता है स्टर्नम, उसके साथ जो अस्थि पंजर पसलियां जुड़ी होती हैं 12-12 जोड़ी, वो किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों उपास्थि अस्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज दोनों से निर्मित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ए एम बी दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन पारस्परिक तंत्रिका अपहरण की संधि है। अभी जस्ट में बताई थी जो जल संधि का उदाहरण है या सेरल ज्वाइन, जिसे पृष्ठ संधि भी कहा जाता है, जिसमें परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि यानी पारस्परिक तंत्रिका अपहरण वाली संधि होती है, जो किसी भी दिशा और तल में गति करती है, जो हमारा ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल पर अस्थि की संधि होती है, जिसमें अंगूठा जो है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। यह आपका राइट आंसर होगा पृष्ठ संधि यानी कि सैडल ज्वाइन। नेक्स्ट है मणिबंध यानी कलाई यानी रिष्ट की संधि का किसका उदाहरण है। तो दोस्तों कलाई जो है दो तल में गति करती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्डिलाइट ज्वाइंट। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट यानी कि स्थूलक संधि, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट यानी कि स्थूलक संधि हिंदी में है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में प्रोनाउंस कर दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हिंदी वाला वर्ड जो है वो समझ नहीं आता है और इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट दोस्तों शरीर के निम्नलिखित तलों में कौन उसे ऊपरी और निचले हिस्सों में बांटता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो प्लेन यानी कि तल एंड एक्सिस यानी धुरी दोनों तीन तीन होते हैं। जो प्लेन होता है यानी तल वो सेजिटल फ्रंटल हॉरिजॉन्टल तीन होता है, एंड जो आपका एक्सिस होता है यानी कि अक्ष वो फ्रंटल सेजिटल वर्टिकल तीन होता है। जो तल होता है यानी कि जो एक्सिस होता है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर गति होती है, ये अक्ष कहते हैं। और जो तल यानी प्लेन होता है वह सतह, प्लेन क्या होता है? वह सतह जो अक्ष यानी एक्सिस के लंबवत पाया जाता है, जिस शरीर में गति होती है। तो जो तल होता है यानी प्लेन वो तीन होता है, सेजिटल फ्रंटल हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। यह सेजिटल प्लेन शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट, याद रखिएगा। एंड अगर बात करें खेलों में तो रनिंग जंपिंग एंड समर सॉल्ट, ये आपका सेजिटल में आ जाएगा। दूसरा प्लेन होता है फ्रंटल प्लेन, जो इसको क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को फ्रंटल प्लेन आगे और पीछे भागों में बांटता है और गति जो होती है वो दाएं बाएं होती है, यानी एब्डक्शन एडक्शन मोमेंट होता है। जैसे कि खेलों में हम कार्ट व्हील्स स्टार जंप साइड रन आदि आ जाएंगे।
तीसरा प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ये शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और सभी रोटेशन एंड एलिवेशन मूवमेंट्स इसमें होते हैं। और दोस्तों जिस बिंदु पर तीनों प्लेन मिलते हैं उसे सीजी पॉइंट यानी सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट या कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के निम्नलिखित तलों में शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है। तो दोस्तों ऊपर नीचे भागों में बांटेगा अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्राणी के मणिबंध यानी कलाई में कितनी अस्थियां होती हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे कार्पल बोन होती है कलाई की उसमें 8 होती है, और हमारे टखने की जो टार्सल होती है उसमें 7 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार की अस्थियां ताकत प्रदान करने का काम करती हैं। तो जो छोटी अस्थियां होती है वो ताकत प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है अस्थियों का घनत्व। दोस्तों आपको अस्थियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है आकृति और आकार के आधार पर, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसमोइड बोन। तो जो लॉन्ग बोन होती है वो लीवर का काम करती है, और या हाथों पैरों जैसे कि लंबे अस्थियों जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आदि होती है। और लंबी अस्थियों के बीच में ही अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है, जिसमें आरबीसी का जन्म होता है। एंड खोखली होती हैं लंबी अस्थियाँ, जिसमें अधिक बोझ उठा सकती हैं और हल्की होती हैं। जो शॉर्ट बोन होता है वो जैसे कि हमारा कार्पस और टार्सस यानी हमारे कलाई और टखने का जो हड्डियाँ होती हैं और संबंधित अंगों को एक ताकत प्रदान करती है। ऊपर से कठोर, भीतर से खोखली, तिकोनी होती है। तो शॉर्ट बोन जो होती हैं वो ताकत प्रदान करती है, और फ्लैट बोन जो है ये हमारे जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला में होती हैं। इरेगुलर बोन जिसे विडोल या अव्यवस्थित कहते हैं, जैसे हमारे चेहरे की और रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। पांचवा होता है सिसमोइड बोन, जिसे कंड्रास या भी बोलते हैं, और यह कंड्रा में विकसित यानी जोड़ों के आसपास टेंडन्स में विकसित होने वाली जोड़ों के आसपास से गुजरने वाली होती है, जिसे कि हमारा पटीला जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घुटने की। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्थियों का घनत्व ज़्यादा होता है। दोस्तों जो अस्थियों का घनत्व होता है वह पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अस्थियों का घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संधियों के संचलन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों जो हमारा अस्थिबंध यानी लिगामेंट होता है वो संधि को संचलन यानी गति करने में सहायक होता है। जो लिगामेंट होता है जिसे अस्थिबंध हिंदी में कहते हैं, लिगामेंट जो है दो अस्थियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जबकि टेंडन जो है स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है, जाइगोमैटिक बोन यानी गंडास्थि कहाँ होती है। दोस्तों यह खोपड़ी में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोहनी में आकुंचन किसके द्वारा होता है। दोस्तों आकुंचन प्रसारण फ्लेक्सन एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो कोहनी में जो आकुंचन होता है यानी कि फ्लेक्सन मूवमेंट्स होता है वह बाइसेप्स के द्वारा होता है, बाइसेप्स मसल्स के द्वारा। तो बाइसेप्स मसल्स को द्विसिरस पेशियां भी कहा जाता है, तो द्विसिर पेशियों यानी कि बाइसेप्स मसल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, नितंब संधि का सबसे मजबूत अस्थिबंध क्या है, यानी जो हमारे कुल्हे का जो संधि है, हिप ज्वाइंट है, उसका सबसे मजबूत अस्थिबंध है सिसांत उर्वाशी यानी कि इलियक फीमर। नेक्स्ट है, किस प्रकार का उत्तोलक बाहु के उत्थापन में सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो मैं आपको डिटेल में बताएंगे उत्तोलक के बारे में। दोस्तों ये जो हमारा बाह यानी कि हमारे कंधे को ऊपर उठाना, हाथ को ऊपर उठाना, यह तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के और एग्जाम्पल है जैसे कि आर्म फ्लेक्शन यानी हाथ को मोड़ना, एंड थाई फ्लेक्शन, हेमस्टिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सीटअप, हाथ को ऊपर उठाना। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो फोर्स होता है, बल होता है, बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का उत्तोलक कहते हैं, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर, तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है,
फोर्स एंड रेसिस्टेंस के अद्विति प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है फोर्स एंड एक्सिस के, जिसका मैंने ट्रिक आपको हर वीडियो में बताया हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक का एग्जाम्पल हमारे शरीर में एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी कि हाथ को फैलाना एंड एंकल फ्लेक्शन एंड सिर को आगे पीछे झुकाना एंड बारी बार में स्मैश करना, वी सीटअप। वी सीटअप, सीटअप सीधे आएगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा क्योंकि बीच में फोर्स लगता है, एंड वी सीटअप आएगा तो आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस भार बीच में होता है, जिसमें शरीर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन एंड पुशअप, जबड़े का खुलना बंद होना, बास्केट व वॉलीबॉल में पंजे से जंप करना आदि। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बाहों के उत्थापन में कौन सी मांसपेशी सम्मिलित होती है। बाहों को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी, ये क्वेश्चन आया भी था। तो यह हमारा जो अंश छद पेशी जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, डेल्टॉइड मसल्स। कौन सी मसल्स बाहों को ऊपर उठाने में, डेल्टॉइड मसल्स कार्य करता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर अस्थियां कोहनी की संधि बनाती हैं। तो दोस्तों, इस कंधास्थि तो नहीं बनाएगी कोहनी की संधि, जैसे कि बहिःप्रकोष्ठिका यानी कोहनी से मणिबंध की छोटी उंगली छोटी हड्डी तक। तो यहाँ पे बहिःप्रकोष्ठिका यानी कि अल्ना की बात हो रही है और अंतःप्रकोष्ठिका यानी कि रेडियस की बात हो रही है, प्रकंडिका यानी कि ह्यूमरस। तो रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये तीनों मिलाकर के हमारी कोहनी की संधि यानी नी ज्वाइंट्स को बनाती है। तो यहाँ पे किसको छोड़कर, तो इस कंधास्थि यानी कि स्कैपुला को छोड़कर। नेक्स्ट है, प्रबाहु यानी कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां क्या होती है। तो कोहनी से कलाई तक रेडियस है, अल्ना होती है दोस्तों, अंगूठे की तरफ रेडियस, अंगूठे की तरफ से लेकर कोहनी तक रेडियस, और छोटी उंगली की तरफ से लेकर कोहनी तक अल्ना होती है। तो रेडियस को बहिःप्रकोष्ठिका और अल्ना को अंतःप्रकोष्ठिका कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संधि का प्रारूप नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन संधि का प्रारूप नहीं है यानी कि हमारे जोड़ों पर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे तंतु में यानी कि लिगामेंट्स पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है, श्लेष्मक पाया जाता है, बट श्लेषक यानी कि चालीय द्रव जो होता है पाया जाता है, बट अस्थिकृत नहीं है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है, अस्थि संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जोड़ों यानी संधियों का अध्ययन को आर्थोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्वच्छंद रूप से चलायमान संधियों का एक अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया था, डी क्या मैंने ट्रिक बताया था आपको, मैंने डी बताया, ट्रिक बताया था डी ए एस, और आपको डी ए एस इस ट्रिक से याद करना है, और आपको याद रखना है डी ए एस, चल, अर्धचल और अचल। डी से हो गया डायर्थ्रोसिस जिसे चल संधि को कहते हैं, ए से एम्फियार्थ्रोसिस अर्धचल संधि को कहते हैं, और एस से साइनोथ्रोसिस चल संधि और अचल संधि को कहते हैं। तो यहाँ पे चलायमान संधि यानी कि चल संधि की बात कर रहा है, तो उसको अन्य नाम से किससे जाना जाता है, तो इसको डायर्थ्रोसिस के नाम से जाना जाता है, डायर्थ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन श्लेष्मक संधि नहीं है। श्लेष्मक संधि यानी कि साइनोवियल ज्वाइंट जिसे चल संधि को कहा जाता है, तो कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट भी है, दुराग्र संधि यानी प्योर ज्वाइंट भी है, सरपर संधि यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी है, बट तंतुमय संधि नहीं है क्योंकि तंतुमय संधि यानी फाइबर्स ज्वाइंट अचल संधि को कहा जाता है, जो खोपड़ी की संधि होती है। नेक्स्ट है, किस संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है। दोस्तों, एक ही तल में गति सिर्फ कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट में होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ ही घूम सकता है, उसी प्रकार हिंज ज्वाइंट यानी कि कोर संधि जिसे कब्जा संधि भी कहते हैं, जो एक दिशा में गति करती है एक ही तल में, यानी यूनिएक्सियल ज्वाइंट होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कंधास्थि किसका प्रारूप है।
तो इस कंधार से यानी कि जो शोल्डर ज्वाइंट होता है, कंदुकखलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का एग्जांपल है, जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जानु संधि उदाहरण है। जानु मतलब घुटना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। घुटना यानी कि नी ज्वाइंट किसका उदाहरण है, तो मैं अभी जस्ट बताई हूँ, जो हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये सभी कोर संधि यानी कि कब्जा संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नितंब संधि है। नितंब संधि क्या है, यानी कि शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट दोनों किसका उदाहरण है, कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया का समय एक घटक है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आपका आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो स्पायरेटरी रेस्पायरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। जबकि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आता है। तो जो रिएक्शन टाइम प्रतिक्रिया समय है वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के अंतर्गत आता है। ये आपका हो जाएगा मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का ये घटक है। तो मोटर घटक आपका स्वास्थ्य आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जांच को रिएक्शन टाइम प्रतिक्रिया के समय को मापती है। वह जांच जो रिएक्शन टाइम को मापती है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है हमारा, इसको एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग यानी कि पैरों की विस्फोटक क्षमता को मापता है। सर्जेंट जंप जो है वो हमारे पैरों की विस्फोटक क्षमता को ये भी मापता है। शटल रन जो है एजिलिटी यानी चपलता मापता है। जबकि यहाँ पे रिएक्शन टाइम को मापता है स्टिक ड्रॉप टेस्ट, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर ना आए तो तीनों चारों को डिफाइन कीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित दशाएं किनके अतिरिक्त दाब से जुड़ी हैं। तो दोस्तों अतिरिक्त दाब से जुड़ी हैं उच्च रक्तदाब, मानसिक रोगी भी अतिरिक्त दाब का सहन करता है। यहाँ पे एक प्रकार का संवेग यानी कि इमोशंस रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि बीपीएससी TI2 में आया हुआ था कि जो संवेग है वो किससे निकल आया है, तो मोअर शब्द से निकल कर आया है। तो दोस्तों अतिरिक्त दाब से उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वाला भी जूझता है, मानसिक रोगी भी, अपेस्टिक अल्सर भी, जो कि रक्त अल्पता यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि अतिरिक्त पूछा सब, मतलब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूलन यानी कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलाव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जबकि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर ने दिया था। थर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुकूलन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो अंततः निष्पादन क्षमता को बढ़ाती है किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों उसे जाना यह भार के अग्रगमन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है आत्मविश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आत्मविश्लेषण, अपने आप के विश्लेषण के द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को अंतर निरीक्षण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को क्या कहते हैं, तो उसको बोध पक्ष बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।